नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हिंदी साहित्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज पर आधारित 35 प्रश्नों का यहाँ पर संकलन किया गया है और ये 35 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिन एग्जाम में हिंदी साहित्य पूछा जाता है उनमें ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना विलंब के आज का ये वीडियो। जी हाँ दोस्तों, तो पहला प्रश्न है दोस्तों, सूफी काव्यधारा के कवि हैं। तो चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से पहला जो विकल्प है वो सही हो जाएगा, जायसी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि आपको 2 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें से आपको चार विकल्प में से अपना सही उत्तर टिक कर लेना है, उसके बाद फिर सही उत्तर हम बताएंगे। तो अमीर खुसरो कवि हैं, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, टिक करें आप, अमीर खुसरो कवि हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों, अमीर खुसरो हैं जो वो आदिकालीन कवि माने जाते हैं, अमीर खुसरो, और खड़ी बोली के बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं अमीर खुसरो साहब। नेक्स्ट है सत्यार्थ प्रकाश रचना का संबंध है। जी हाँ दोस्तों, सत्यार्थ प्रकाश रचना का आपको संबंध बताना है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का चयन आपको करना है। देखते हैं इसका उत्तर दोस्तों, तो इसका उत्तर हो जाएगा जो सत्यार्थ प्रकाश रचना है वो संबंधित है आर समाज से। नेक्स्ट है आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है। जी हाँ दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक तो आपने क्लिक कर लिया होगा एक उत्तर पर। तो आधुनिक काल की कविता से संबंधित नहीं है तो वो नहीं है मार्क्सवादी भावों की प्रचुरता, प्रचुरता नहीं मिलती, मार्क्सवादी भाव की मिलते तो हैं लेकिन प्रचुरता इनकी नहीं मिलती है। नेक्स्ट है रीति काल से संबंधित रचना है। जी हाँ दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, रीति काल से संबंधित रचना का नाम आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बिहारी सतसई, रीति काल से संबंधित रचना बिहारी जी की है, बिहारी सतसई बहुत ही प्रसिद्ध रचना मानी जाती है बिहारी सतसई रीति काल की। और अगला क्वेश्चन है बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता कौन है। तो चार विकल्प में से एक का चयन आपने आपको करना है, तो बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता आपको बताना है। देखते हैं इसका उत्तर, इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जयशंकर प्रसाद, बीती विभावरी जागरी गीत के प्रणेता माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता कौन है। तो चार विकल्प ये आपको दिए गए हैं, आवास आदा में से आपको एक का चयन करना है। चांद का मोह टेढ़ा के रचयिता हो जाएंगे मुक्तिबोध, आसान सा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है, आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है। तो फिर आपको ये आसान क्वेश्चन मिला है, चार विकल्प में से आपने टिक कर लिया होगा, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है तो वो कहा जाता है महादेवी वर्मा को, आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है। नेक्स्ट है निम्न में से प्रगतिवादी कवि हैं, चार ऑप्शन आपके पास हैं, प्रगतिवादी कवि आपको बताना है कौन है प्रगतिवादी कवि। तो आपने टिक कर लिया होगा, इसका उत्तर हो जाएगा बा, केदारनाथ अग्रवाल जी जो हैं प्रगतिवादी कवि हैं निम्न में से। नेक्स्ट है कवि गंग किसके दरबारी कवि थे। जी हाँ दोस्तों, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, गंग कवि के बारे में आपको बताना है कि गंग कवि किसके दरबारी कवि थे, ये चीज़ बतानी है। तो आपने टिक कर लिया होगा, अब हम इसका उत्तर बताते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा अकबर। जी हाँ दोस्तों, गंग कवि जो थे वो अकबर के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट है भक्तिकाल की रचना है। जी हाँ, भक्तिकाल की रचना के बारे में आपको बताना है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद है, 1 सेकंड का भी आपके पास टाइम है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विनय पत्रिका, भक्तिकाल की जो रचना है वो विनय पत्रिका, तुलसीदास जी की ये रचना है विनय पत्रिका। और नेक्स्ट है अखरावट के रचनाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, अखरावट के रचनाकार के बारे में आपको बताना है, चार विकल्प भी आपके सामने मौजूद हैं, अखरावट के रचनाकार कौन हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मलिक मोहम्मद जायसी साहब, अखरावट के रचनाकार हैं। नेक्स्ट है रीतिबद्ध काव्य के कवि हैं, रीतिबद्ध काव्य के आपको बताना है, रीतिकाल में रीतिबद्ध, रीतिमुक्त, रीति सिद्ध, ये तीन जो है काव्यधाराएं थी, इन काव्यधाराओं में रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि आपको यहाँ पर बताना है। जी हाँ दोस्तों, चार विकल्प में से चयन करें आप, तो इसका उत्तर देखते हैं क्या हो जाएगा, सा सेनापति, रीतिबद्ध काव्यधारा के कवि माने जाते हैं सेनापति। नेक्स्ट है प्रयोगवादी कवि हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रयोगवादी कवि आपको बताना है, चार विकल्प में से प्रयोगवादी कवि कौन से हैं। तो प्रयोगवाद के जो कवि हैं वो हैं कौन, धर्मवीर भारती, ये प्रयोगवादी कवि कहलाते हैं। नेक्स्ट है मैत्री शरण गुप्त की रचना है, मैत्री शरण गुप्त की रचना कौन सी है, चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, चार में से एक का चयन करना है। मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर द, भारत भारती मैथिली शरण गुप्त की रचना है।
अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार हैं? जी हाँ दोस्तों, आदर्शवादी, आदर्श यथार्थवादी, ये चार विकल्प में से एक का चयन करना है कि प्रेमचंद जी किस प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने जाते हैं, ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सा, आदर्श उन्मुख और यथार्थवादी कवि माने जाते हैं, प्रवृत्ति के उपन्यासकार माने जाते हैं प्रेमचंद जी। नेक्स्ट है अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी। अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव हिंदी की किस काव्यधारा पर दिखाई देता है? ये चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, किस काव्यधारा पर दिखाई देता है अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी काव्य का प्रभाव, ये चीज हमें यहाँ पर बताना है, चार विकल्प में से एक का चयन करना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा छायावाद। जी हाँ दोस्तों, छायावादी काव्यधारा पर इसका प्रभाव अंग्रेजी स्वच्छंदतावादी का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, आसान सा क्वेश्चन है, चार विकल्प में से एक का चयन करना है। इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर आ, सुमित्रानंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के नाम से जाने जाते हैं। निम्न में से कौन सा कवि छायावाद के चार स्तंभों में से एक नहीं है? तो कौन सा कवि है जो चार स्तंभों में से एक नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, आपको तो पता ही होगा कि छायावाद के चार स्तंभ माने गए हैं और चार में से एक नहीं है, तो वो नहीं है जगन्नाथ दास रत्नाकर और जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा और सुमित्रानंदन पंत, ये चार छायावाद के चार स्तंभ माने जाते हैं। नेक्स्ट है रीतिकाल का दूसरा नाम है। जी हाँ दोस्तों, रीतिकाल का दूसरा नाम बताना है, चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, तो रीतिकाल का जो दूसरा नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, विकल्प मरा श्रृंगार काल। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है आदिकाल का एक अन्य नाम है, आदिकाल का एक अन्य नाम है तो वो कौन सा नाम है? आदिकाल का चार विकल्प में से एक को बताना है, आदिकाल का अन्य नाम क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर बा, सिद्ध सामंत युग आदिकाल का एक अन्य नाम है। नेक्स्ट है निम्न में से कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है तो वो नहीं है, कौन नहीं है ये चीज़ आपको बतानी है। चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, कृष्ण भक्ति शाखा से संबंधित कवि नहीं है तो वो नहीं है नाभादास जी, राम भक्ति शाखा से संबंधित कवि माने जाते हैं नाभादास जी, तो इसका उत्तर सा हो जाएगा। रामानंद के गुरु का नाम क्या था? जी हाँ दोस्तों, ये विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, रामानंद के गुरु का नाम आपको बताना है यहाँ पर, तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर द, राघवानंद रामानंद के गुरु का नाम था। नेक्स्ट है प्रेमाश्रय शाखा से जुड़े कवि हैं, तो ये चार विकल्प आपके सामने मौजूद हैं, प्रेमाश्रय शाखा का जो है जुड़े कवि हैं तो वो हैं जायसी साहब, प्रेमाश्रय शाखा से जुड़े कवि हैं। नेक्स्ट है अष्टछाप की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, अष्टछाप की स्थापना के बारे में बताना है, तो अष्टछाप की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी कब, 1565 ईस्वी में अष्टछाप की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है। जी हाँ दोस्तों, अलवार भक्तों की संख्या मानी गई है तो कितनी मानी गई है? चार विकल्प में से एक का हमें चयन करना है, अलवार भक्तों के बारे में बताना है, तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प नंबर सा, 12 मानी गई है अलवार भक्तों की। समय देवता किस कवि की रचना है? जी हाँ दोस्तों, समय देवता के बारे में हमें बताना है, किस कवि की रचना है, चार विकल्प हमारे सामने मौजूद हैं, तो समय देवता जो रचना है वो है दोस्तों नरेश मेहता जी की समय देवता। नेक्स्ट है कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो चार विकल्पों में से एक का चयन करना है, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है ये बताना है हमें, तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचरित में मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुलसीदास किस दार्शनिक मत के भक्त थे? तो चार विकल्प हमें मौजूद हैं, चार में से एक का चयन करना है, तुलसीदास जी किस दार्शनिक मत के भक्त थे ये चीज़ हमें बताना है, तो इसका उत्तर देखते हैं दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा विशिष्टाद्वैत मत के जो हैं ये अनुयायी माने जाते हैं तुलसीदास। और नेक्स्ट है सूरसागर का काव्य रूप कौन सा है? जी हाँ दोस्तों, सूरसागर का काव्य रूप हमें बताना है, तो चार विकल्पों में से एक का हमें चयन करना है, सूरसागर का काव्य रूप, तो इसका उत्तर हो जाएगा गीति काव्य, सूरसागर का काव्य रूप माना जाता है। मूल गोसाई चरित्र के रचयिता का नाम बताना है, मूल गोसाई चरित्र का जो रचयिता है उनका नाम बताना है, तो उनका नाम हो जाएगा बैनी माधव दास। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सी पत्रिका भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रताप जो है वो भारतेंदु युग से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है प्रगतिवाद के अंतर्गत कौन सा विचार अमान्य है? तो प्रगतिवाद के अंतर्गत जो विचार है वो है रूपवाद, ये अमान्य माना जाता है। अगला क्वेश्चन है निराला द्वारा संपादित पत्रिका इनमें से कौन सी है? संपादित पत्रिका का नाम हो जाएगा मतवाला। जी हाँ दोस्तों, नेक्स्ट है निराला की किस कविता को महाकाव्य रचना की संज्ञा दी है? तो किस कविता को दी है महाकाव्य, इसका उत्तर देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा राम भक्ति
पूजा को महाकाव्य की रचना की संज्ञा दी है। जी हाँ दोस्तों, तो हमने यहाँ पर लगभग 35 प्रश्नों को बहुत ही आराम से देखा। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।